आने से पहले साइनिंग इंडिया की तरह भाजपा निकल लेगी और उनकी वापसी हो जाएगी। मुझे तो शक है कहीं सोनिया जी ही ना निकल क्योंकि दामाद के खिलाफ तो चल ही रहा है, हो सकता है वही निकल ले। कहाँ निकल तो कहाँ के लिए निकलेंगी? इटली निकलेंगी और कहाँ निकलेंगी? क्या कुछ लेके निकलेंगी? ऐसे पहले ले गई है ना। अच्छा, तो राहुल गांधी नीरव मोदी को छोटा मोदी कह रहे हैं, ये क्या है? अब जितनी समझ है उनकी उतनी ही वो काबिलियत दिखाएंगे। समझदार नहीं है जितना आप समझते हैं। वो कौन? राहुल जी क्या है? समझदार नहीं तो क्या हो? बस नेता है, समझदार नहीं। नेता जी तो उनके हाँ में हाँ अखिलेश भी लगाते हैं। अब वो अखिलेश की मजबूरी होगी, हाँ में हाँ मिला। क्या वैसे वो भी है या क्या? नहीं, अखिलेश तो थोड़ा समझदार है। नेताजी तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, वो केवल बर्तन और चम्मच बजाएगी बस। देखिए, जितने लोगों का नाम आप ले रहे हैं ये सब डरे हुए लोग हैं, सब डरे हुए। बिहार में उनकी क्या हालत है, यूपी में इनकी क्या हालत है, यूपी में दूसरे की क्या हालत है, ये सब डरे हुए लोग हैं। मोदी जी की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है, जो उनके काम करने का तरीका है, और सनाते से घबराए हुए लोग हैं, और जो अनाप शनाप जिसको बकना है बकते हैं। नेता जी, अभी सिंगापुर में राहुल गांधी का जो बयान आया है कि उन्होंने कश्मीर नीति को लेकर के मौजूदा एनडीए सरकार पर, मोदी सरकार पर हमला बोला है, कहा कि कश्मीर के युवा जो हैं वो बरगलाए गए हैं और हालात बिगड़ गए हैं, यूपीए सरकार में बेहतर थे। ये सब जिम्मेदारी उनके दादाजी की है। कश्मीर जो इतना खराब हुआ है, उनके नाना कहेंगे या दादा कहेंगे, उनकी देन है, जवाहरलाल नेहरू जी की देन है।